जी हाँ, इस साल सीबीएसई आईसीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंत्रियों के साथ बैठक कर ये बड़ा फैसला लिया। छात्रों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। देश भर में होने वाली बोर्ड परीक्षा में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। एक बार फिर कोरोना वायरस ने देश में दस्तक दे दी है, जिससे होने वाली बोर्ड परीक्षा में रुकावट हो सकती है। वहीं 2023 में होने वाली बोर्ड परीक्षा रद्द होगी या नहीं, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं परीक्षा 2023 का टाइम टेबल जारी हो चुका है। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। गौरतलब है कि कई बोर्ड्स ने 10वीं 12वीं परीक्षाओं का टाइम टेबल रिलीज कर दिया है। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा 2023 का टाइम टेबल जारी हो चुका है। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। गौरतलब है कि कई बोर्ड्स ने 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का टाइम टेबल रिलीज कर दिया है। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में लगा हुआ है। इसी बीच यूपीएमएसपी ने बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जिले में 296 एग्जाम सेंटर बनाए हैं। यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाई स्कूल यानी यूपी बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल कभी भी जारी कर सकता है। ऐसे में जो छात्र इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए लगभग 59 लाख स्टूडेंट शामिल होने की उम्मीद है। इनमें से 31 लाख से अधिक छात्र यूपी बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में शामिल होंगे और लगभग 27 लाख छात्र यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होंगे। सीबीएसई की तरफ से जल्द ही जारी किया जा सकता है टाइम टेबल। एक बार 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी हो गई है। एक बार फिर 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी हो जाएगी, तो स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। 10वीं और 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम की शुरुआत 1 जनवरी 2023 से होगी। हालांकि इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि सीबीएसई थ्योरी एग्जाम की शुरुआत 15 फरवरी 2023 से होगी। पिछले साल बोर्ड ने टर्म वाइज बोर्ड परीक्षा आयोजित की थी। 10वीं परीक्षा पैटर्न 2023 के अनुसार प्रत्येक पेपर के 80 अंक होंगे और शेष 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। प्रत्येक विषय के लिए कक्षा 10 के लिए विस्तृत सीबीएसई नया पैटर्न वेबसाइट पर देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2022-23 को एक ही टर्म में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में शिक्षा राज्य मंत्री ने ये घोषणा की थी कि इस साल से सीबीएसई की कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में योग्यता आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। उन्होंने बताया था कि कक्षा 10वीं के स्टूडेंट से कम 40% और कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट से 30% तक योग्यता आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। बोर्ड परीक्षा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।